झिंझोड़े हो झिंझोड़े अम्मा झिंझोड़े, इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, तुमसे अभी तक बच्चे ना हुए। मुझे नहीं पता, मुझे पोता और पोती चाहिए, बुलाए से बजीता को। एक मिनट बजीता, ओ बजीता। लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम, माँ की सुनो क्या कह रही है माँ। आज तक सुनी मैं तुम्हारी माँ की? नहीं तो अब क्यों सुनूंगी। प्लीज फजीता सुन लो यार, माँ है मेरी। चलो कसम तुम्हारी नहीं सुन लेती। जी मेरी सासू माँ। फजीता इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, तुमसे अभी तक तोवा। सासू माँ क्या कह दिया, पाप चलवाओगी मेरे पे, मेरा करेक्टर लेस कराओगी, मेरे दामन पे दाग लगवाओगी, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर्स है, मेरी इज्जत की कसमें खाते हैं, मेरी शादी की कसमें खाते हैं, मेरी शराबत की कसमें खाते हैं, मेरा तो करेक्टर लेस हो जाएगा, नाक कट जाएगी मेरी। तौबा है, क्या कह दिया तेरी अम्मा ने। इसमें दाग वाली कौन सी बात हो गई, शादी के बाद तो बच्चे होते ही हैं। अबे तीन महीने हुए शादी को, तीन महीने हुए, तीन महीने में कराएगा, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे टाइम में होते होंगे सासू माँ ये बच्चे, छह महीने में, सात महीने में, तीन महीने में, दो महीने में। बड़ी संस्कारी जनरेशन है जो वाली है, बहुत संस्कारी जनरेशन है। 5G चल गया है, पूरे प्रोसेस के बाद बच्चे होते हैं, पूरा टाइम लेते हैं 9 महीने का। आई बड़ी बुढ़िया, 3 महीने में चल यहाँ से। देख फजीता मुझे कुछ ना पता, तू भले से 2 साल ले ले, लेकिन मुझे पहले लड़का चाहिए। और मुझे एक लड़की चाहिए, फिर उसके बाद मुझे एक लड़का चाहिए, फिर मुझे लड़की चाहिए। बच्चे छाप रही हूँ मैं, बच्चे छाप रही हूँ मैं, प्रिंटिंग मशीन लगा रखी है, बच्चे छाप रही हूँ मैं, मुझे लड़का चाहिए, मुझे मैं नहीं करूंगी बच्चा, पहले बता रही हूँ। मेरा फिगर खराब हो जाएगा, हाँ मैं थुल थुल हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी बच्चा करने का, तू भी नहीं देखेगा फिर मुझे कुत्ते, तू भी नहीं, मैं देखूंगा नहीं देखेगा मुझे, मैं नहीं करूंगी बच्चे। और ये बच्चे ये जो होते हैं ना एक एक बालिश के, ओफो इतने बड़े नवाब होते हैं, कोई काम खुद नहीं करते, ये एक बालिश के वहीं पड़े रहेंगे, इन्हें दूध भी वहीं ला के दो, इन्हें नहलाओ भी वहीं, इनके कपड़े भी खुद पहनाओ, अरे ये तो छोड़ सारी बात, लेटरिन पेशाब भी वहीं करेंगे, हाँ इतने बड़े नवाब है, यूं लेटे लेटे बैठे, बदल लो इनके बाप के नौकर, बदलो दिन में चार चार बार टट्टी करते हैं फिर पेशाब करते हैं, हाँ हाँ भूख 10-10 बार होते हैं, और मेरा बेटा क्या हो गया, और बात भी करते हैं, नखरे इतने हैं इनके, एक बालिश के जो होते हैं ये बात भी नहीं करता। फजीता छोटे होते हैं ना बच्चे, 10 पिल्ले मेरी सुतरन बाजी के हुआ बच्चा, बावली हुई भी है वो, और रातों को यूं रो रहा, यूं उठा, अरे मेरा बाबू, मेरा बेटा हुआ क्या, मेरा बाबू, बावली खिला देते हैं, बात भी नहीं करते, लैटरिन करनी है वही कर ली बेड पे, सूसू करना वही करते, इसके बाप के नौकर हैं हम भाई, ये हो गया अब इसी के पीछे लगे रहो, ये एक बालिश के, ये बड़े खतरनाक होते हैं, हाँ, और जब ये घुटनों चलना चालू होते घुटनों, ओफो फिर तो एक आदमी चाहिए ना रोकने के लिए, कभी बेड के नीचे, कभी सोफे के नीचे, और हर उस चीज में उंगली करेंगे जिसमें नहीं करनी, हर उस चीज में, बट तुम मना करो बेटा ये नहीं छेड़ना, उसे ही पकड़ दे, फिर बैठ के सोचते हैं बच्चे बैठ के, ओफो मेरी अम्मा किचन में काम कर रही है, क्या करूं, पोटी कर दूं, सूसू कर दूं, उल्टी कर दूं, उल्टी अब वो गई है कपड़े वपड़े पहना के नहला के पाउडर वोडर डाल के एकदम कंचा बना के भाई बैठ, बड़ी मेहनत करी मेरी अम्मा ने, 2 घंटे लगाए, क्या करूं पोटी करी, नहीं करूंगी, बहुत जिंदगी खराब करते, मैं नहीं करूंगी बच्चे, पहले बता रही हूँ, मुझे ऐसा बच्चे चाहिए जो अपना काम खुद कर ले, ऐसा कैसा बच्चा चाहिए भाई, हाँ होंगे ऐसे, साइंस बहुत तरक्की पे है, 10-20 साल बाद ऐसे बच्चे पैदा होंगे, बच्चा पैदा होगा हॉस्पिटल में और सीधा फोन निकाला, हेलो गाइस आई एम कमिंग टू पृथ्वी, ये मेरी माँ है, मैं अभी पैदा हुआ हूँ, 5 मिनट 3 सेकंड का हो चुका हूँ, अम्मा अब्बा कहाँ है मेरे, बेटा बताओ तुम्हारे काम पे, ओ फोन का पहला बच्चा और अब्बा काम पे चलेगा, आवाज की खोपड़ी, हेलो गाइस ये मेरा बाप है, मैं इसकी वजह से पृथ्वी, ये मेरी दादी है डायंसी शक्ल की है, मेरी अम्मा को बड़ी परेशान करती थी, और मेरे दादा काम पे गए हैं, गाइस अभी मैं सिर्फ कमरे में हूँ, अभी मैंने कमरा देखा है, डॉक्टर्स वगैरह देखे, पृथ्वी पे और क्या क्या चीजें होती हैं, मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, मेरा बच्चा धूप भी है, ऐसा बच्चा चाहिए, हाँ ऐसा चाहिए, और फिर जब उसको जब वो पोटी कर ले और उसकी माँ धुलाना, हेलो गाइज ये मैंने लाइफ की पहले पोटी करी है, और ये देखो गाइज मेरी माँ मेरी पोटी धुला रही है, मैंने इसका फुल खून चूस रखा है, ये औरत बावली हो गई है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इसका कोई काम वाम नहीं बचा है, मैं इसको रातों को सोने नहीं देता, जिंदगी मैंने इसकी खराब कर रखी है, गाइस नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि रातों को नींद कैसे आराम करते हैं। तो फजीता बुढ़ापे की लाठी होते हैं बच्चे तो बुढ़ापे में करूंगी, बुढ़ापे की लाठी होती है ना, हाँ तो बुढ़ापे में करूंगी, 50 साल की उम्र में पहला बच्चा करूंगी, हाँ वो मुझसे मांगेगा ना कुछ सामान, ये ला दो वो ला दो, भैया तेरी अम्मा की तो टांगों में दर्द रहता है, अरे बाल सफेद हो गए, कमर दुख रही है, देखिए अपनी अम्मा की पूछे पोटी साफ कराएगा अपनी, शर्म आएगी ना उसे, मेरी माँ बूढ़ी है शर्म आएगी उसे, एक बालिश को खुद जाकर रेंग रेंगे सारे काम कर लिया करेगा, मेरी भी सेवा करेगा, जवानी में नहीं करूंगी, उसे लगता है माँ तो बड़ी हट्टी खट्टी, सारे काम मुझसे कराया, मैं नहीं करूंगी, सुन लो मैं नहीं करूंगी, और आज मैं तुम्हें बताऊं डायन, सासू माँ तुम सासू माँ बनेगी हो, बस मैं अपने कैरेक्टर से मजबूर हूँ, मैं बहू
वरना अब तक चार पांच हफ्ते तुम्हारे अंदर भी खींच चुकी होती। पतीता मेरी कैरेक्टर बहू वाला है ना, तो इसी दिन हाथ में खुजली मच रही है। इसके बदले तू खा ले, चल हट, चल भैया।